क्या बोल रही थी, फिर से बताइए एक बार। तो सर, क्या आप ये कैशबैक लेना चाहेंगे या फिर मैडम कैंसिल कर दिया जाए? मैडम ऑब्वियसली चाहिए कैशबैक। मैंने फ़ोन ऑर्डर किया ना, मेरा कैशबैक है ना, तो कैंसिल क्यों करना है मैडम? ऑब्वियसली चाहिए ना मैडम। लेकिन अच्छा, आप 1 मिनट होल्ड करोगे प्लीज़? हाँ, आप एक ठीक मिनट होल्ड कीजिए प्लीज़। हाँ ठीक। ओके गाइस, मैंने 25 अगस्त को अमेजोन से एक सैमसंग M51 फ़ोन ऑर्डर किया था। भाई इधर आ, ये दिखा दे लोगों को। तो यहाँ पर देख सकते हो सैमसंग M51 फ़ोन मैंने ऑर्डर किया था, जो कि प्राइस यहाँ पर 20,000 है। ठीक है, 25, ये डेट देख लो, यहाँ पर 25 अगस्त को मैंने ऑर्डर किया था और ये डिलीवर भी हो चुका है। ठीक है, डिलीवर भी हो चुका है। एंड आज ये मैडम मुझे कॉल कर रही है एंड बोल रही है कि इस फ़ोन को ऑर्डर करने के वजह से मुझे कैशबैक मिला है। तो मुझे एक तरफ से लग रहा है कि ये फ्रॉड है, इसलिए मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुझे ये नहीं पता कि सच में ये फ्रॉड है, अगर फ्रॉड है तो देखते हैं कैसे फ्रॉड करती है। वैसे कैशबैक इतना बड़ा अमाउंट मिल रहा है, आप लोग खुद ही सुन लीजिए, मैडम ही बताएंगे आपको सब। हेलो, हाँ सर। हाँ मैडम, आपने कैशबैक अमाउंट कितना बोला था, फिर से बताइए एक बार। सर, आपने जो फोन ऑर्डर किया था उसके अकॉर्डिंग आपको 4,999 रुपीज का कैशबैक मिला है। तो सर, क्या आप इसे लेना चाहेंगे या कैंसिल कर दिया जाए? मैडम ऑब्वियसली लेना है, आप एक ही बार क्यों बार बार बोल रहे हो, कैंसिल क्यों करना है, ऑब्वियसली चाहिए। तो मैडम आप अमेजोन से बोल रही हो ना? हाँ सर, मैं अमेजोन। अच्छा, अगर आप अमेजोन से बोल रही हो तो कौन सा फोन मैंने ऑर्डर किया था, उसका प्राइस क्या, थोड़ा डिटेल्स बताओगी मुझे? हाँ सर, आप 1 मिनट होल्ड कीजिए। अच्छा ठीक है, बताइए। हाँ सर, तो आपका नाम लकी छेत्री है? हेलो। जी मेरा नाम लकी छेत्री है। जी हाँ सर, तो आपने लास्ट मंथ 25 अगस्त को सैमसंग M51 एक फोन ऑर्डर किया था अमेजोन से, जिसका हाँ प्राइस आता है 20,000 रुपीज। जी और जी सर, वही फोन आपको 31 अगस्त को डिलीवर भी हो चुका है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अभी 4,999 रुपीज का कैशबैक मिला ओ है। अच्छा, ठीक है मैडम, बिल्कुल सही है। तो मैडम ये कैशबैक लेना कैसे है मुझे? सर, आपने ये प्रीपेड किया था फोन पे से, तो आपको ये फोन पे के थ्रू ही लेना है। तो आप फोन मैडम पे आप एक काम करो, फोन पे नहीं, मुझे डायरेक्ट अकाउंट नंबर मैं अभी बता रहा हूँ ट्रांसफ़र कर दीजिए। नहीं सर, ऐसा तो नहीं होगा। आपने फोन पे से पे किया था, तो आपको उसी से ये कैशबैक एक्टिवेट अच्छा होगा। ठीक है, तो फोन पे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो कर दीजिए मैडम। वो कब तक आ जाएगा पेमेंट? सर, आप कुछ ही देर में, आप लाइन में रहते रहते वो आपके अकाउंट पे क्रेडिटेड हो जाएगा। अच्छा, मैडम कर दीजिए, कर दीजिए सर, प्लीज़। मैं कुछ प्रोसेस बताती हूँ, आप वो फॉलो करते रहिए। ओके ठीक है मैडम, बोलिए। सर, आप अपना फोन पे एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। अच्छा फ़ोन पे एप्लीकेशन को खोलना पड़ेगा? हाँ सर। अच्छा ठीक है, तो ठीक है मैं खोल रहा हूँ। सर, थोड़ी जल्दी कीजिए। हाँ ठीक है मैडम, 1 मिनट। सर, कर लिया आपने? हाँ फ़ोन पे खोल रहा हूँ मैडम, फ़ोन पे खोल रहा हूँ। सर, हाँ वहां पे मैडम, देखिए नहीं, यहाँ पर तो ये फ़ोन पे खोलते ही मुझे दिखा रहा है कि 4,999 अमेजोन से दिखा रहा है और यहाँ पर पे बोल के आ रहा है मैडम। हाँ सर, आपको वो पे पे अभी क्लिक करना है। अच्छा यहाँ पर पे पे क्लिक करना है, हाँ सर। बट पे क्यों मैडम? यहाँ पर तो मुझे लगता है कि रिसीप आना चाहिए, क्योंकि पे नहीं कर रहा हूँ ना मैं, तो रिसीप कर रहा हूँ ना इस पेमेंट को। नहीं सर, आप यहाँ पे अपने फोन से अपने बैंक अकाउंट पे क्रेडिट कर रहे हैं, तो इसीलिए आपको यहाँ पे पे का बटन क्लिक करना अच्छा, पड़ेगा। यानी कि मेरे अकाउंट में पे होगा ये? हाँ सर। ठीक है मैं कर रहा हूँ हाँ सर। मैडम हाँ, यहाँ पर सेंड का उसके बाद ऑप्शन आ रहा है मैडम। हाँ, सेंड करना है सर, अभी आपको वो अच्छा सेंड का बटन क्लिक करना है। अच्छा ठीक है ठीक है, लेकिन 1 मिनट मैडम, यहाँ पर डेबिट फ्रॉम बोल के मेरा अकाउंट नंबर दिखा रहा है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली फोन से नहीं नहीं आपका नहीं वो, नहीं मैडम 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 सुनिए, यहाँ पर ना बाकी सब तो ठीक था, मैं अभी सेंड भी कर देता था ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने नोटिस किया, यहाँ पर डेबिट फ्रॉम बोल के मेरा अकाउंट नंबर दिखा रहा है। यानी कि डेबिट का मतलब है कि मेरे अकाउंट में से पैसा कटेगा, अगर आना होता है यहाँ पर क्रेडिट लिखता ना, यहाँ पर तो डेबिट लिख रहा है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। आपके मोबाइल के थ्रू आप फोन, मतलब फोन के थ्रू आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो ना, इसलिए आपका वहां पे डेबिट बोल के आ रहा है सर। अच्छा हाँ सर। ठीक है मैडम, अभी मैं सर दबा रहा नेक्स्ट हूँ। ऑप्शन क्या आ रहा है? हाँ ये दबाने के बाद तो मुझे UPI पिन आ रहा है मैडम, फिर UPI पिन क्यों डालना है? अरे सर, मैडम आपको यू रिसीव करने के लिए UPI पिन का ज़रूरत नहीं है ना। सर, अभी आपको UPI पिन वहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको कैशबैक का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे 4,999 रुपीज आएगा। तो वहाँ पे क्लिक कर देने से ही पूरा अमाउंट आपके अच्छा अकाउंट में कुछ ही मिनट में ओके रिसीव हो ठीक है जाएगा। मैडम, ये बिना UPI पिन डाले कोई ऑप्शन नहीं है पेमेंट लेने का? नहीं सर, अमेजन, मतलब अमेजन के जो कस्टमर केयर, वो हम है क्या आप थे सर? तो बात तो सही है मैडम, तो UPI पिन डालना ही पड़ेगा हम जो बताएंगे वही तो आपको फॉलो करना पड़ेगा ना, आप ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर सकते। मैं जो बता रही हूँ आप जल्दी मैडम, अपने वो सब फॉलो UPI करते पिन का रहिए। सवाल है, UPI पिन का सवाल है, मैं क्वेश्चन कैसे ना करूँ? और ये UPI पिन डालना ही पड़ेगा मुझे रिसीव करने के लिए। सर, आपके
पूरे डिटेल्स मैंने बता दिए, और आप अभी पूछ रहे हो कि मतलब हाँ यूपीआई मैडम, पिन क्यों डालना ओके पड़ेगा। ओके, वन मिनट सुनिए मैडम, मुझे ये नहीं पता कि आपको मेरा जो डिटेल से कैसे मिला, ठीक है? वैसे आप एक सुनिए ना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक हाँ मैडम सुन लीजिए ना, एक बार जो मैं बता रहा हूँ उस चीज को तो सुन लीजिए एक बार। यहाँ पे सीपीयू पे आपका पूरा वो दिखा रहा है, मॉनिटर पे आपका पूरा अकाउंट का डिटेल्स वगैरह शो कर रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है, सुनिए, चलो सुनिए ना यार, कब से बोल रहा हूँ मैडम सुनिए, ठीक है? ये जो कैशबैक है ना, ये फोन, ये जो अमेजोन वाले कैशबैक दे रहे हैं, एक तो इतना बड़ा अमाउंट कैशबैक देते नहीं है, और यार एक लड़की सुनो, एक लड़की होके एक लड़की सुनो ना यार, एक लड़की होके फ्रॉड करती हो यार, थोड़ा तो शर्म कर लो क्या, थोड़ा। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं सर? अगर अबे आपको यार लेना है तो आप ले लो, नहीं अगर नहीं लेना है तो मैं तो आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ ना, मैं जस्ट बता रही हूँ आपका जो प्राप्त करना है, मतलब बात फोर्स करने का नहीं है, बात है लूटने का। तुम लोग ऐसे कैसे लूट सकते हो यार लोगों को, ऐसे कैसे लोगों को लूट सकते हो? बात फोर्स का बात कर रही हो, बता तो रहे ना, आपको ये फॉलो करना है, आपके अकाउंट में भी मिल जाएगा। अबे अभी समझ ही नहीं रही हो, देखो ना भाई, इसको समझ में नहीं आ रहा यार। अरे मैं कस्टमर केयर मैडम शर्म कर लो, ठीक है? अभी तो तुम्हारा पोल खुल चुका है, ठीक है? थोड़ा तो शर्म करो, अभी भी कस्टमर केयर बता रहे हो खुद को। डिटेल्स बता दिए आप मुझे, ऐसे कैसे बोल सकते हो? डिटेल्स तो तुम लोगों ने निकाल लिया होगा ना, कहीं से चोरी किया होगा डिटेल्स, चोरी करके तो लोगों को कॉल करके ऐसा बेबी को बनाते हो। अच्छा देख, अभी आ गई ना, अभी आ गए ना औकात पे, अभी तो इतने मीठी बात कर रही थी, अच्छे से बात करे। कब से बोल रही हूँ कि ये फॉलो कर वो फॉलो कर, तू करना ही नहीं है, तू को जस्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछा, देखो क्योंकि ना लोग आप इतना बेवकूफ नहीं है, जो तू बोल रही है ना वो लोग नहीं करेंगे, क्योंकि लोग आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुके हैं इंडिया पे। एक लड़की होके थोड़ा शर्म कर, ठीक है? ऐसा लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे, थोड़ा शर्म कर लो। फ्रॉड ये तो हमारा रोज का धंधा है यार, रोज का धंधा है, कितने लोग इसमें मतलब जान में फंस जाते हैं। जब तूने कैशबैक बोला ना, तभी मैंने कैमरा को रिकॉर्ड किया, ठीक है? जब तूने कैशबैक बोला कि 4999, मैंने कैमरा को रिकॉर्ड किया, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करना चाहता और मैं एक्टिंग कर रहा था, ठीक है? आप देख इस वीडियो, इतना लोग शेयर करेंगे, देखते हैं तुम लोग कैसे लूटते हो लोगों को। कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? ऐसा कुछ नहीं होगा, लोग आज दिखेंगे कल भूल जाएंगे। कोई नहीं भूलता है, कोई नहीं भूलता है, जो सपोर्ट जो इंडियन है ना, वो लोग वीडियो को शेयर करेंगे। अबे यार रख फोन, एक तो यार लड़की होके इतना बकबक करती है, हमारा कमाई हो तू एक वीडियो से। अबे चल कुछ नहीं उखाड़ सकेगा। देख देख मैं क्या उखाड़ता हूँ तुरंत, देख मैं क्या उखाड़ रहा हूँ, तू फोन रख। My God, guys, एक फ्रॉड तो चलो फ्रॉड है, एक लड़की होके देखा इसके अंदर कितना ज्यादा एटीट्यूड था, मेरा बात तो सुनी नहीं रही थी, मैं कुछ भी बोलूँ उसको कुछ फर्क ही पड़ नहीं रहा था। एक तो इन लोगों के अंदर इतना एटीट्यूड है, इतना इन लोगों को ना एक्चुअली इन लोगों के अंदर कुछ डर है ही नहीं, ठीक है? क्योंकि कोई कुछ करता नहीं है, कुछ होता ही नहीं, ये लोग फिर भी रोज लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। सो गाइस, बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसा डिटेल्स ये लोग कहाँ से निकालते हैं ये मुझे आइडिया नहीं है। ऐसा डिटेल्स निकाल के अगर किसी को भी कॉल करता है तो कोई भी भरोसा कर लेगा। मुझे भी भरोसा हुआ था जब इसने डिटेल्स मेरा सही सही बताया, मैं भी थोड़ा सा शॉक था, ताकि लोगों के साथ ना हो, बट मैं मुझे पता चल गया मेरे साथ तो फ्रॉड नहीं हुआ, मैंने वीडियो बना लिया, ठीक है? बाकी लोगों के साथ हो सकता है तो वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।